राजस्थान के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के ऐलान के साथ ही कैबिनेट विस्तार का मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया है। सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद बनाई गई सुलह कमेटी को भी 1 साल का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन सुलह नाम की कोई चीज गहलोत और पायलट के बीच नजर नहीं आ रही। गहलोत शुरू से ही चाहते थे कि कैबिनेट विस्तार और सियासी नियुक्तियों में सचिन पायलट के लोगों को जगह न दी जाए, और पंचायत चुनाव की तारीख आने के बाद ठीक वैसा हो भी रहा है जैसा कि अशोक गहलोत चाहते थे। कैबिनेट विस्तार पर भले ही सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन उनके समर्थकों को पूरी उम्मीद है कि उन्हें उनका हक जरूर मिलेगा, और इसी उम्मीद में पायलट के समर्थक उनके आवास पर रोज पहुंच जाते हैं, पायलट से बातचीत करते हैं और उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अपना अधिकार तो लेकर ही रहेंगे। पायलट समर्थक विधायक और नेता चाहते हैं कि पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी तत्काल एक्शन लिया जाए और पायलट खेमे की मांग को पूरा किया जाए, लेकिन ये होगा कब इस बारे में कोई खुलकर कुछ भी साफ बोलने को तैयार नहीं। गहलोत सरकार के कामकाज से खफा कई विधायकों ने पिछले साल पार्टी से बगावत कर दी थी। ये पायलट समर्थक विधायक उनके साथ मानेसर के एक रिजॉर्ट में रुके थे, तब ऐसा लग रहा था कि गहलोत की कुर्सी अब गई कि तब गई, लेकिन जैसे तैसे भागदौड़ करके अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचा ली थी। लेकिन अब पायलट खेमा एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, जो कि गहलोत सरकार के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि कई बार कांग्रेस आलाकमान ने पायलट खेमे और गहलोत गुट में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। पायलट खेमा लगातार ये कहता आ रहा है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती, जनता के काम अटके हैं, लिहाजा मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर राजनीतिक नियुक्तियों तक की मांग पायलट खेमे की ओर से तेज होती जा रही है। वहीं पायलट खेमे का आरोप है कि कुछ मंत्री कुर्सी पाने के बाद अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिन्हें उनके पद से हटाना भी बेहद जरूरी हो गया है। पायलट खेमा चाहता है कि नाकारा मंत्रियों की छुट्टी करके काम करने वाले ईमानदार छवि के विधायकों को भी मंत्री बनने का मौका दिया जाए। पिछले कई महीनों से कैबिनेट विस्तार और सियासी नियुक्तियों की बात तो चल रही है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। अब ऐसा माना जा रहा है कि 4 सितंबर के बाद ही कैबिनेट विस्तार और सियासी नियुक्तियों पर गहलोत सरकार कोई निर्णय ले सकती है, लेकिन क्या तब तक पायलट खेमा सब्र कर पाएगा? क्योंकि अगर इस बार पायलट समर्थकों ने बगावत कर दी तो गहलोत के लिए कुर्सी बचाना शायद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।